इफेक्टिव रेमेडी आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बाल सफेद होना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर रोजमेरी का यूज जरूर करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर रोजमेरी को इस तरह से मंगवा लिया था। ये आपको इजीली अमेजोन के साइट से मिल जाएगी, या फिर पंसारी की दुकान में अगर आप चले जाओगे तब भी आपको मिल जाएगी। रोज मेरी दोस्तों आपके सफेद बालों को आने से रोकती है, क्योंकि ये जो हमारे बालों में मेलानोसाइट और मेलानिन की जो कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बालों में जो कालापन दिखता है, काली परत जो दिखती है बालों के ऊपर, वो मात्रा हमारी कम होते जाती है। इसकी वजह से जो आपके सफ़ेद बाल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है और ये मेलानिन को भी बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके सफ़ेद बालों को रिवर्स करने का बहुत ही तेज़ी से काम करती हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच आपको यहाँ पे रोजमेरी का यूज़ ज़रूर करना है फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने बालों को प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रे हेयर से। और ये एकदम नेचुरल रेमेडी है और नेचुरली आपके बालों पे वर्क करेगी। बाल अगर टूट गए हैं तो बालों की लंबाई को भी बढ़ाने का काम करती है, टूटने से बचाती है, सफ़ेद बालों से ये बचाती है रोजमेरी। तो इस तरह से आपको ये रोजमेरी जो है वो लेना है फ्रेंड्स। और इसका जो मैं आज आप लोगों को DIY बताऊंगी, बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करिएगा, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है, ये है करी लीव्स, जिसमें एमिनोसाइड बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है और ये हमारे बालों को टूटने से बचाती है। साथ ही साथ सफ़ेद बालों को जल्दी नहीं होने देने का बहुत ही अच्छा सा ये उपाय है और ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको करी लीव्स के कुछ पत्ते इसमें ऐड करना मस्ट है। सॉरी। और उसी के साथ में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है ब्लैक, जैसे हम ऑनियन कहते हैं, ब्लैक सीड्स ऑनियन के हैं, ये ब्लैक ऑनियन सीड्स हैं ये। तो ये बहुत ही अमेजिंग होता है, ये देखिए ब्लैक ऑनियन सीड्स, बहुत ही अमेजिंगली ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करने का काम करती है। आपको यहाँ पर इसे लेना है 1 बड़े चम्मच के तकरीबन, और ये नेचुरल तरीके से बालों को ग्रो करने का और मेलानिन की जो प्रोडक्शन हमारे बालों में कम हो जाती है उसे इंक्रीज करने का बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसे आप ज़रूर ऐड करिए और 4 दाने बस उठा करके रोज़ सुबह इसे गर्म पानी के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। ये अमेजिंगली वर्क करते हैं और ये मैं कहूँ तो हमारे लिए जीवन दान है। ये हमारे स्टमक को भी साफ करती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लोगों को होती है तो भी बाल झड़ते हैं, एसिडिटी की वजह से भी बालों की जो समस्याएं देखी गई हैं झड़ने की, सफ़ेद होने की, वो भी प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पे जो ब्लैक ऑनियन सीड्स होता है, जस्ट इसके 4 दाने उठा करके गर्म पानी से रोज़ सुबह निहार मुँह यानी कि खाली पेट इसे लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा इंटरनली और आउटर पर्पस पे। आपको यहाँ पर 1 बड़े चम्मच इस ब्लैक ऑनियन सीड्स को, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं, ये आप ज़रूर इसमें ऐड करिए, जिसकी वजह से आप अपने बालों को लंबा, काला, मजबूत, घना होते हुए देखेंगे। अब ये 3 चीज़ें हमने जो लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले वाटर डाल करके, 1 कप इसमें पानी डाल करके अच्छी तरह से इसे हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद जो हमें इस वाटर में जितने भी यह इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिक्स हो जाए, इसके अर्क आ जाएगा, तो हम इससे अच्छी तरह से यूज़ में लेकर के आएंगे। और इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल उसी तरह से इस रेमेडी में उस इंग्रेडिएंट को आप ऐड करिए, आपको जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक नेचुरल डाइट घर पे ही बना करके रेडी कर सकती हैं। इसे मैन, वीमेन, बच्चे सभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ है और नेचुरल है। तो चलिए इसे हम बॉईल करेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। तो इसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है, और जैसे ही ये बॉईल हो जाए फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे अपने गैस फ्लेम को बंद करना है। इस वाटर का कलर भी आप देख सकते हो, तो इसी तरह से आपके बालों को भी ये नेचुरल तरीके से ब्लैक करेगा। इसे अच्छी तरह से हम 1 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे। 1 कप पानी आधे कप में जब तक टर्न ना हो जाए तब तक आपको गैस के फ्लेम को बंद नहीं करना है। तो हमें अब चाहिए एक सेफ बोल और एक स्ट्रेनर की मदद से हम इस इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से स्ट्रेन आउट कर लेंगे। इसे आप अच्छी तरह से छान लीजिए और इस वाटर का आपको कलर भी देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से।
तो बहुत ही परफेक्ट रेमेडी हमारी जो इस तरह से बन करके इस तरह रेडी हुई है। अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वही लोहे का पैन जिसमें आपने इस अर्क को प्रिपेयर किया है। जस्ट आप इसमें इसे ऐड कर दीजिए और ये अभी के लिए गर्म है, तो गर्म गर्म में ही आपको बाकी की इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताया है उसे ऐड करना मस्ट है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं दोस्तों, आंवला पाउडर। आप अपने हेयर लेंथ अकॉर्डिंग इसमें ऐड करिएगा। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर आंवला पाउडर डाला है, और गर्मियों का मौसम है तो दोस्तों आप यहाँ पर आंवला ज़रूर यूज़ करिए, जिससे कि बालों में बहुत ही तेज़ी से ये जो कलर आने वाला है और जो मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज़ करेगा ये आंवला ही करेगा। तो इसे हमें इस तरह से मिक्स करके छोड़ देना है। अगर आप इस रेमेडी को ओवरनाइट ढक करके रख देंगे दोस्तों तो बहुत जेट ब्लैक हो जाएगा, और जेट ब्लैक कलर ही आपको आपके बालों में देखने के लिए मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान रहते हैं अपने सफ़ेद बालों की वजह से और चाहते नहीं हैं कि कोई केमिकल या डाई यूज़ करें, तो ये नेचुरल सी डाई है, इसका ज़रूर यूज़ करिएगा, जिससे बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर देखने के लिए मिलता है। इसे मैं 10 से 15 मिनट इस तरह से ढक करके छोड़ दूंगी, उसके बाद दोस्तों इसका एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे अपने सफ़ेद बालों पर। बाल सफ़ेद हैं तब भी लगाइए, या प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर हैं तब भी आप इसका यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा सा आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसे पहले हम ढक करके रख देते हैं। इस तरह से हमारी जो रेमेडी रेडी हो चुकी है, देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसे आप अपने बालों पे कम से कम 1 घंटे ज़रूर लगा करके छोड़िए, और जो साइड साइड में जो आपको ये कालापन देखने के लिए मिल रहा है, इसी तरह से ये आपके सफ़ेद बालों को भी काला बनाएगी, घना बनाएगी और मजबूत बनाएगी। हमारी आज की रेमेडी एकदम परफेक्ट बनी है फ्रेंड्स। आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, यहाँ तक देख लिए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए इससे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। में मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।